शहर के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार एक ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। उनका मानना है कि शहर में कुछ प्रतिबंधित दवाइयां चोरी छिपे बेची जा रही है, जिनका उपयोग युवा ड्रग्स नहीं मिलने पर कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने गुरुवार को पुलिस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शहर में जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं, उन सभी दुकानदारों को 10 नवंबर तक अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। यह अनिवार्य है। जो दुकानदार अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त ने बताया, गत मंगलवार को जिलाधिकारी महानगर पालिका और अन्य व औषधि प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। इस बैठक में प्रत्येक दवा दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया। अजीत पारसी से जुड़े सवाल के जवाब में पुलिस आयुक्त ने कहा कि जब तक वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अंदाजन 100 आरोपी चे वर एमसीओसी अंतर्गत कार्रवाई करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये काही 2012 ची मर्डर मध्ये गँग 2021 अटक करण्यात आली। काही एका प्रकरणात जे 2016-17 चे सुमारास मर्डर होती, त्यामध्ये ॲक्सिडेंटमध्ये चार्जशीट होऊन त्या आरोपीला ॲक्विटल झाली होती, त्यामध्ये गँगला अटक करून ते डिटेक्ट करण्यात आलेले। असे वेगवेगळे MPDA कारवाई, MCOC अंतर्गत कारवाई, गँग्स विरुद्ध कारवाई आणि इतर पोलिसिंग एफर्ट, जसे विजिबल पोलिसिंग, हॉटस्पॉट्स आयडेंटिफाय करून त्यावर आवश्यक रेमेडियल मेजर्स, NDPS विरुद्धची जे ओपन प्लेसेसमध्ये कन्झम्पशन किंवा दारूची विक्री अवैधरित्याने होत असतील, अशा प्रकारचे वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीजवर कारवाई करून आत्ता ट्रेंड डिक्लाइनिंग आहे आणि ही पुढचे काळात सस्टेन करण्यात जरी आमच्यासाठी चॅलेंज असतील, तर आम्ही पूर्णपणे रिस्ट्रॅटेजाईज करून पुढचे काळात काय रूपरेखा होईल, कोणकोणते गँगस्टर्स, कोणकोणते क्रिमिनल्स किंवा कोणकोणते हॉटस्पॉट्स परत निर्माण होत आहे, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे। याबद्दल पूर्ण आढावा घेऊन रिस्ट्रॅटेजाईज्ड एफर्टनी पोलिसिंग पुढचे काळात सुरू होईल। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का मानना है कि शहर के युवाओं में नशाखोरी करने की आदत बढ़ रही है। ड्रग्स नहीं मिलने पर कई युवा दवा की दुकानों से शेड्यूल्ड H जैसी दवाओं का उपयोग नशक आने के लिए कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह सब कुछ रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी प्रकार दवा विक्रेताओं को डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना दवा नहीं बेचनी चाहिए और दवा विक्रेता दवाइयों का पक्का बिल ग्राहकों को दे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।